हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, आखिरकार बिहार सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च कर ही दिया जो लोग बिहार में फंसे हुए हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, आप थोड़ा इस मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। जो बिहार में फंसे हुए हैं उनके लिए बिहार सरकार ने एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उस वेबसाइट पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सरकार आपको आपके घर तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन सी वेबसाइट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने यहाँ पे एक नया वेबसाइट जारी कर दिया। आप देख सकते हैं covid19bihar.gov.in, ये बिहार सरकार की एक ऑफिशियली वेबसाइट जो कि कल के डेट में लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे बताया गया, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक राज्यों के लोगों के पंजीकरण हेतु लिंक। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, यह वो वेबसाइट है जो बिहार में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए यह वेबसाइट जारी किया गया है। यानी जो बिहार से अन्य राज्यों के लोग हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, अपने राज्य घर वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार इस चीज के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा। तो इस तरफ जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होता है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वैसे व्यक्ति जो लॉकडाउन के कारण बिहार में फंसे हुए हैं एवं जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, वे व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे सरकार कर क्या रही है। यहाँ पे सरकार जो पोर्टल भी लॉन्च की वो ये लॉन्च की कि केवल बिहार से जो बाहर लोग जाना चाहते हैं यानी दूसरे राज्य के लोग हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसा बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने आपको वेबसाइट यहाँ पे बता दिया। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब रही बात जो बिहार में फंसे हैं उनके लिए हो गई, अब रही बात दूसरी की जो लोग बिहार से बाहर फंसे हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने उनके लिए तो वीडियो बनाया लेकिन बहुत ज्यादा उस पर कमेंट आ रहे हैं कि फोन नहीं लग रहा है, मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली वाले का नंबर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, सारे स्टेट वाले धीरे 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 अपना वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं कि मैं राजस्थान से है तो राजस्थान से जाने के लिए आप इस पे रजिस्ट्रेशन करें, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश जाने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करें, जो पंजाब सरकार है पंजाब सरकार ने एक अलग से वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, वहां से अगर पंजाब में फंसे हुए बिहार के लोग या किसी भी राज्य के लोग तो वो पंजाब से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करें, यानी डाटा उनको दे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे केरला रजिस्ट्रेशन के लिए जारी कर दिया। बहुत ही जल्द दिल्ली सरकार भी जारी करेगा एक वेबसाइट जिसमें बताएगा कि अगर आप दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, किसी अन्य राज्य के लोग हैं, आप इच्छुक है, आप जाना चाहते हैं तो इस पे रजिस्ट्रेशन करें। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे बिहार सरकार ने भी लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य बनाए रखना है, यहाँ पे धीरे धीरे सारा काम हो रहा है, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी ला रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जहां है वही सुरक्षित रहे, वहीं पे खाना पीना अच्छे से खाए रहे, क्योंकि सरकार जब यहाँ पे इस तरह की मुहिम जारी कर दिया है, आने जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट बहुत ही जल्द लॉन्च करेगी। जैसे वेबसाइट लॉन्च हो रहा है मैं वीडियो पे वीडियो डालता रहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं एक भी वीडियो एक भी अपडेट मैं नहीं छोड़ूंगा इस कोरोना महामारी में, covid-19 की जो यहाँ पे आपातकालीन स्थिति हुई है, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एक भी अपडेट नहीं छोड़ने वाला हूँ इस चैनल पे। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने दुबई से फंसे हुए लोगों के लिए वीडियो बनाया, सऊदी में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए वीडियो बनाया, अभी मैं दोहा कतर में जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद जो राजस्थान में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं, भले वो बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, किसी भी राज्य के हो, राजस्थान में है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं मेरा। तो मैंने लगातार वीडियो बना रहा हूं। अगर फ्रेंड्स जो नोडल अधिकारी का नंबर मैंने दिखाया आपको उस पे बात नहीं हो रही है तो थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा जरूरत है धैर्य की। अब मैं आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव नंबर बताने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे ये एक नोटिस जारी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जिला आपातकालीन संचालन केंद्र डीएसयू। तो अगर आप बिहार से हैं तो मैं स्पेशल बिहार भाइयों को बोलना चाहूंगा कि
आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर बिहार आपदा प्रबंध के नंबर पे कॉल करें, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे कि अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट से है और किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। मतलब यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जो बिहार वासी है उनके लिए यहाँ पे मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि वो अपने राज्य को कॉल करें और उनसे आप पूरी जानकारी ले कि सर कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने खुद बात किया अपने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, मैंने जानकारी ली, उन्होंने क्या किया हमें एक दूसरा अल्टरनेट नंबर दिया जो नोडल ऑफिसर है उसके अलावा, और उससे भी बहुत ज्यादा बिजी जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, कभी कभी कॉल लग रहा है कभी कभी नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बात करना है। यहाँ पे भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आप देख सकते हैं जिला आपातकालीन संचालन केंद्र डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो आप पॉज कर दीजिएगा और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सबसे पहले खोजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसी डिस्ट्रिक्ट पे आप कॉल कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान देनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आप कॉल कीजिएगा। आप बिहार के किसी भी जगह पे फंसे हुए हैं, वो लोग भी आपका नाम नंबर नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कॉल किया तो मेरा भी नाम मोबाइल नंबर सब चीज, मेरा पिताजी का नाम उन्होंने नोट किया और बताया ठीक है मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो आप इस नंबर पे भी कॉल करें, बात करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी छोटी सी आपको देनी थी, जो लोग बिहार से फंसे हुए हैं, मतलब बिहार में फंसे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया ये वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार के आप लोग हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपना नाम, बताना है उम्र, बताना है यहाँ पे जेंडर चूज करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है और आप कब यात्रा करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद से आप बता रहे हैं कि बिहार राज्य में जहाँ रह रहे हैं, तो अभी आप फिलहाल में बिहार में कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आपको बताना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करके और यहाँ पे ब्लॉक चूज करना है। उसके बाद से बताएगा कि आप बीमारी से संबंधित कोई लक्षण है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। आप कितने व्यक्ति के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं। उसके बाद से आप किस वाहन से यात्रा करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो ये जो उनके लिए है जो बिहार राज्य में फंसा हुआ है और बिहार से किसी अन्य राज्य में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे आपको पूरी जानकारी भरनी है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य में, मतलब आप किस शहर में जाना चाहते हैं ये आपको बताना है, बिहार से बाहर किस राज्य में यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स बताने हैं, शहर का नाम लिखना है, क्या आप पहले भी क्वारंटीन कैंप में रह चुके हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है और यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से ये वेबसाइट जारी किया गया है, जो लोग बिहार में फंसे हुए और बिहार से बाहर जाना चाहते हैं और जो लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए, मैं एक बार और बात को रिपीट कर रहा हूं, उनके लिए क्या है कि जिस राज्य में फंसे हुए हैं उसी राज्य के वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि धीरे धीरे सभी राज्य के वेबसाइट जारी हो रहे हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यही है फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आप घर आ सकते हैं। दूसरी उपाय मैंने आपको बताया, ये हेल्पलाइन नंबर, इस पे भी आप बात करें। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं ये हेल्पलाइन नंबर जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट से आप यहाँ पे जिला आपातकालीन संचालित केंद्र का यहाँ पे निकाल सकते हैं या इस हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, या जो मैंने आपको नोडल ऑफिसर का नंबर बताया जिसमें 19 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, न्यूज़पेपर में भी आया था इसकी जानकारी, तो वहां से भी आप बात कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको वो लोग भी देंगे और आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, वीडियो का इंतजार करें, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।